नमस्ते सर। जी नमस्कार मैडम। अच्छा, हमें थोड़ा अपनी संस्था के बारे में बताइए, जनता रिहैबिलिटेशन सेंटर। मैम ये सेंटर 1996 से स्टार्ट हुआ है, जो कि मेरे फादर, जिनका पिक्चर आप ऊपर देख भी रहे हैं, स्वर्गीय श्री जय शर्मा जी, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। वो इसके फाउंडर थे और इस संस्था की जो शुरुआत जो उन्होंने करी थी वो ये सोच के साथ थी कि जो बच्चे लेग ब्लाइंड होते हैं या किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं या लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें पता ही नहीं कि इस तरह के NGOs हैं जहाँ पे वो अपनी एजुकेशन वगैरह ले सकते हैं, और जब उनकी चाइल्डहुड एज निकल जाती है, कहीं उनको एडमिशन नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चों को इस संस्था में, बाबू जी ने सोचा कि इन संस्था में लाके उनको कुछ हाथ से काम सिखाया जाए, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जो अपनी रोजी रोटी, खुद अपना स्वावलंबी हो सके, पैरों पर खड़ा हो सके। और आप इस संस्था को कब से चला रहे हैं सर? मेरे को पीछे 12 साल हुए जुड़े हुए। अच्छा, रीजन वही था कि बाबूजी का सपना था, ड्रीम था एक उनका, तो उन्हीं के सपने को लेके बढ़ रहा हूँ। रिसेंटली आपकी संस्था ने जूडो में नेशनल और इंटरनेशनल पैरा मेडल्स जीते जी, हमें उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मैम देखिए, वो एक ड्रीम जैसी है हमारे लिए, इस संस्था के लिए भी, क्योंकि जब से बच्चों ने जूडो खेलना किया तो लोग इस संस्था को भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, और पिछले तकरीबन 2019 में पहली बार जो यहाँ के हरियाणा के कोच हैं महेंद्र सर, वो आए थे एक बार इंट्रोड्यूस करने के, सर ऐसे ऐसे जूडो की एक गेम है जो कि ब्लाइंड्स बच्चे भी खेल सकते हैं और उसकी हम टीम बना रहे हैं। तो मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ तो मैंने बोला ठीक है सर, क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने इससे पहले भी ब्लाइंड एथलीट्स तैयार किए हैं एथलेटिक्स इवेंट में, तो जूडो मेरे लिए नया गेम था, तो मैंने बोला ठीक है सर, ओके करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे एक पहले एक लेडी कोच शुरू हुई थी आने में, सीमा मैडम नाम था उनका, तो उन्होंने यहाँ पे कोचिंग देना शुरू किया, तो बच्चे थोड़ा हेजिटेट होते थे एज ए फीमेल कोच, उनको भी थोड़ी हेजिटेशन होती थी। तो उसके बाद फिर जयसिंह कोच ने यहाँ पे जब से मोर्चा संभाला है तब से बच्चों ने रिजल्ट देना भी शुरू किया है, और ना केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया है इंडिया को और मेडल्स दिए हैं। तो सर, जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं उनमें कोई ऐसा कॉमन थीम आपको दिखाई देता है कि ये बच्चे आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, बच्चों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है वो, और डिपेंड करता है कि वो जो कोच सिखा रहा है उसको कितनी अच्छी तरह से वो ग्रैस्प कर पा रहे हैं, जितनी अच्छी तरह से बच्चा समझ पाएगा उतनी मेहनत करेगा। अब जो बच्चे मेडल्स लेकर आ रहे हैं और जो मेडल्स नहीं लेकर आ रहे, तो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, कुछ फैक्टर्स उनकी माइंड कॉन्सेप्ट का भी है कि वो किस तरीके से उस गेम को ले रहे हैं, क्योंकि गेम्स के अंदर जब जाते हैं तो एक हेजिटेशन होता है खेलने के लिए, एक घबराहट होती है, तो जो उस घबराहट को पार कर लेता है वो मेडल्स विनर होता है। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू।